आफ्टरनून बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में क्लास सेवेंथ में। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड और आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो है लेसन फोर। लेसन जो फोर्थ है वो है दो कविता। आप जैसे कि समझ गए होंगे कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कविता पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक में जो कविताएं हम पढ़ने वाले हैं वो कविताएं अलग अलग हैं। सबसे पहली जो कविता हम पढ़ने वाले हैं वो है मेघ। मेघ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मेघ बादल। और दूसरी जो इस लेसन में कविता हम पढ़ने वाले हैं वो है फूले कदम। कदम एक जो है क्या है, एक पेड़ है जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कदम का पेड़। और शायद आपने श्री कृष्ण जी की भागवत में सुना ही होगा कि वो कदम की डाली पर झूला करते थे श्री कृष्ण भगवान। तो आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप अपने इस लेसन के टॉपिक से ही समझ गए होंगे, दो कविताएं। दो कविताएं जिसके बारे में है वो, सबसे पहले तो आप जिस कविता को पढ़ेंगे वो है मेघ के बारे में और दूसरी है फूले कदम। मतलब जब कदम के पेड़ में फूल खिलते हैं तो उस समय का जो दृश्य कैसा होता है ये हम पढ़ेंगे। और मेघ जब बादल बरसते हैं तो उस समय के बारे में हम कविता के माध्यम से हम समझेंगे। कविता में आप जानते ही होंगे कविता की पंक्तियों के माध्यम से जो है हम बड़ी सी बड़ी बातों को कह सकते हैं। बड़ी सी बड़ी बातों को कहने के लिए हमें कविता से अच्छा कोई माध्यम नहीं मिल सकता। क्या कविता से अच्छा कोई माध्यम हमें नहीं मिल सकता। तो ये जो कविता है, दो कविताएं, इसको लिखने वाले या जो रचयिता है वो कौन है, नागार्जुन जी। दो कविताओं के जो रचयिता है वो कौन है, नागार्जुन। इन्होंने ये जो कविता है इस कविता के माध्यम से इन्होंने बारिश के मौसम का जो है यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखकर अपने कविता के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बारिश का जो मौसम होता है तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और दूसरी जो उन्होंने कविता लिखी फूले कदम, कदम का वृक्ष फूलता है तब उस समय का दृश्य क्या होता है, ये उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि उन्होंने नागार्जुन जी। अब इस कविता को पढ़ने से पहले जो है हम क्या सीखने वाले, आइए आइए सीखने। अब से जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो हम कविता का हाव भाव से उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। कविता को हाव भाव व लय के साथ प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना।
कविता का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जब हम कविता को पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे हाव भाव के साथ, उसके जो हाव है भाव है उसको पढ़ेंगे और किसके साथ पढ़ेंगे लय के साथ। दूसरा है सौंदर्यमुखी से वंचित होना, तीसरा जो हम प्रश्न लिखते हैं वो है सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति के प्रति प्रेम। और फोर्थ नंबर में है कि समान होने वाले शब्द, समान समान होने वाले शब्दों से तो जैसे में हम क्या सीखने वाले हैं कविता को लय के साथ प्रस्तुत करना, कवि की सौंदर्य अनुभूति से परिचय, प्रकृति के प्रति प्रेम। कहने का मतलब है कि जो हम ये कविता होने वाले हैं वो इस दृश्य है प्रकृति, प्रकृति में पेड़ पौधे आसमान ये हरियाली ये सब कुछ क्या है प्रकृति, तो प्रकृति के प्रति प्रेम जागरूक। और चौथा जो पॉइंट है जो हम इस कविता के माध्यम से सीखेंगे वो है समान ध्वनि वाले शब्दों से परिचय। अब इसके बाद हम नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म अब इनका जीवन पक्ष में क्या है, इनका जन्म जो है जून 1911 में जो है दरभंगा दरभंगा बिहार में कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि आपने ये जो लेसन पढ़ा इस लेसन के लेखक या रचयिता कौन है, उनके जीवन परिचय बताइए, तो ये आपको लेसन पढ़ने से पहले आपको ये अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कि इस लेसन के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, ये कविता है कि कहानी है एकांकी है निबंध है लेखन है संस्मरण है, तो ये क्या है आपने तो समझ ही गए होंगे कि ये जो है ये कविता है। और कविता किसने लिखी है, नागार्जुन जी ने। नागार्जुन जी का जन्म, इनका जन्म जून 1911 में दरभंगा जो है बिहार में हुआ। बाबा नागार्जुन जी का जन्म नाम क्या है,
बाबा 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 जी का बचपन का नाम या जन्म नाम का नाम जो है क्या है वैष्णव मिशन वैष्णव मिशन अब आपसे कभी उनका जीवन परिचय यदि पूछा जाता है तो आप बता देंगे कि उनका जन्म नागार्जुन जी का जन्म 1911 में दरभंगा बिहार में हुआ और इनके बचपन का नाम वैश्यनाथ मिश्र और आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत भवन भोपाल द्वारा सर्वोच्च भारत भारतीय सम्मान एवं अनेक राज्य सरकारों द्वारा सम्मानित भी आपको किया गया। कहने का मतलब है कि आपको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उनको क्या है जो है साहित्य साहित्य अकादमी उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत भवन द्वारा भारत भवन द्वारा भारत भवन द्वारा भोपाल द्वारा सर्वोच्च सर्वोच्च भारत आपकी सम्मान है अनेक राज्य या अनेक राज्य सरकारों द्वारा सरकार द्वारा सम्मानित सम्मानित अब क्या है सबसे पहले उनका जन्म जो है 1911 में दरभंगा बिहार में हुआ बाबा नागार्जुन का जो जन्म नाम था वैद्यनाथ मिश्र था इसके बाद इस साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला भारत भवन भोपाल द्वारा सर्वोच्च सर्वोच्च भारत भारती सम्मान जो है क्या है भारत भारती सम्मान जो है उन्हें अनेक राज्य सरकारों के द्वारा भी उन्हें दिया गया। इनकी रचनाओं में कई उपन्यास इन्होंने कविताएं ही नहीं बल्कि इन्होंने कई उपन्यास खिचड़ी बिल्कुल हजार बाणों वाली कविता संग्रह एक व्यक्ति एक युग निराला प्रेमचंद बाली जीवनी गतिनाथ की चाची वरुण के बेटे प्रमुख इनकी रचनाओं में अब आपको क्या करना है इनकी रचना इनकी रचनाएं
नीतिगत चुनाव में जो है नाम में कई उपन्यास इन्होंने लिखे, खिचड़ी खिचड़ी हजार मांगों वाली कविता सुंदर और एक व्यक्ति एक योग एक योग प्रेमचंद प्रेमचंद और नतीमा की चाची और वरुण के पेटे पर क्या है इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कई उपन्यास खिचड़ी हजार बाहों वाली कविता सुंदर एक व्यक्ति एक योग प्रेमचंद रतिनाथ की चाची वरुण के बेटे इनकी प्रमुख जो है इनकी प्रमुख कविता है। तो आज आपने सबसे पहले दो कविता ने जो आप लेसन पढ़ गए हैं उसमें क्या है सबसे पहले हमें जो सीखना है इस लेसन में हमने उसके बारे में पढ़ा। दूसरा जो इस कविता को लिखने वाले रचयिता है उनके जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। अब इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इस लेसन में आए हुए जो हमारे शब्दार्थ हैं उनको हम सबसे पहले समझेंगे कि उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद कविता का सुंदर प्रश्न करके व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ में शब्दार्थ में सबसे पहले है तरस का अर्थ क्या होता है तरस खाना। आपने इस शब्द को सुना ही होगा तरस मतलब दया या अभाव का अनुभव दया पाने की ललक तरस ही दया और दया पाने की ललक क्या अभाव का क्या है दया कहते हैं
कि हमें दीन दुखी असहाय लोगों पर जो है क्या करना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। तो दया का अर्थ क्या होता है, दया का अर्थ होता है अभाव का अनुभव, दया पाने की ललक। इसके बाद जो सेकंड शब्दार्थ है वो का अर्थ क्या होता है, कोप करना आपने सुना होगा, पीते गई माँ जो है कोप भवन में चली गई थी, तो कोप का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। गुस्सा गुस्सा या क्रोध। अब आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, समान ध्वनि वाले शब्द। इसके बाद ने बादल कदम कदम ये क्या है, एक ब्रश, एक ब्रश बादल जिसकी आवाज कर करती होती है, बादल मतलब बैठक, मैं। इसके बाद अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन का अर्थ क्या होता है, सम्मान। क्या है, तरस, दया, दया पाने की ललक। इसके बाद अभाव का अनुभव होना तो गुस्सा, क्रोध, में बादल कदम, एक वृक्ष होता है जिसके बारे में हम ये दो कविताएं जैसे पढ़ेंगे, इसमें एक कविता जो है में मतलब बादल के ऊपर है और दूसरी कविता जो है वो किसके ऊपर है, कदम मतलब एक वृक्ष के ऊपर, तादु बैठक, अभिनंदन, सम्मान। इसके बाद इसको हम देन, ओके। इसके बाद रीता, रीता रीता का मतलब क्या होता है, थाली या वे या नाहक, नाहक बिना बिना हक के, बिना हक के या अधिकार गला
क्षमा या चौम चकाचौम पहली पहली क्या होगा पेड़ की एक छोटी शाखा या डाली डाली या छोटी सी शाखा के बाद लज्जाई लज्जाई का अर्थ क्या होता लालच से भरी लज्जाई लज्जाई का अर्थ होता है लालच से कामिनी बिजली पर कीचड़ कीचड़ तो आपने इस लेसन में आए हुए जो शब्दार्थ हैं उनके बारे में समझा। एक बार और रिपीट करते हैं, तरस आपसे कभी पूछ लिया जाए कि तरस का अर्थ क्या होता है, तरस खाना, दया करना, दया पाने की गलत कहते हैं ना कि कोई मुझ पर तरस खा जाए, तरस खा जाए, सही शब्द क्या है तरस खाना, मतलब मुझे कोई अपनी दया की भीख दे दे, मतलब तरस तरस का अर्थ होता है दया, दया पाने की गलत या अभाव का अनुभव को को गुस्सा क्रोध में बादल कदम एक वृक्ष और बादल मैठा अभिनंदन सम्मान बंदूक गैन खाली ना हाथ बिना हाथ के या निकाल रहे तन गला या गला दे दिया जाए शब्द गला कन दमक चमक चौक सहनी डाली छोटी सी डाली होती है छोटी सी शाखा के बाद लग जाई लालच से भरी दामिनी बिजली पर कीचड़। तो आज आपने जो है इस लेसन में आए हुए जो शब्दार्थ हैं उनका आपने अर्थ समझा। इसके बाद हम कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसका जो भाव अर्थ है चंदन प्रशंसा जो व्याख्या है इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, मेघ मेघ का अर्थ क्या होता है, मेघ का अर्थ है बादल बजे मतलब आवाज सुनाई देना, इसकी
मेघ मतलब बादल की गर्जन, वो जो आवाज होती है गर्जन गर्जन होती है वो। तो मेघ के बारे में क्या कहा गया कविता को आप सुनिए। दिन दिन था धमक धमक मेघ बाजे दामिनी, यह गई दमक मेघ बाजे। कहने क्या करना है इस कविता का भाव हाव भाव लय के साथ हमें स्तुति करना है प्रस्तुत करना है। तो दिन दिन धा धमक धमक मेघ बाजे दामिनी, यह गई दमक मेघ बाजे। दामिनी मतलब बिजली। दिन दिन धा धमक धमक मेघ बाजे, मेघ मतलब बादल। दामिनी यह गई दमक मेघ बाजे, कहने का मतलब है बिजली का चमकना। दादुर का कंठ खुला मेघ बाजे, धरती का हृदय धुला मेघ बाजे। पंख बना हर चंदन मेघ बाजे। और इसके बाद धरती क्या है, दादुर का कंठ खुला। दादुर जैसे कि आपको इसीलिए समझाया जाता है कि सबसे पहले आप शब्दार्थ को पढ़िए। जब आप शब्दार्थ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे शब्दों का अर्थ, तो आप क्या करेंगे जो कविता में जैसे ही शब्द आ रहे हैं जैसे दामिनी, तो अब आपको क्या कहना है दामिनी शब्द का अर्थ समझ लेना। दामिनी का होता है बिजली और दादुर, यहाँ पर दादुर शब्द है, दादुर का अर्थ होता है निरर्थक। कंठ मतलब गला, पंख मतलब कीचड़, पंख कीचड़। इसके बाद दमक चमक चौंक। पंख बना हरी चंदन मेघ बाजे, हल्का है अभिनंदन। अभिनंदन भी सम्मान। मेघ बाजे दिन दिन और धमक धमक का मतलब है कि मेघ यहाँ पर मेघों से क्या आती है बारिश आती है। मेघ अपनी शान क्या लाते हैं बारिश लाते हैं। यहाँ पर हम किस सीजन का सम्मान कर रहे हैं, यहाँ पर बारिश के मौसम का हम सम्मान कर रहे हैं। और उसी के सम्मान में हमारे जो कवि हैं नागार्जुन जी वो क्या कर रहे हैं, इसी मेघ के सम्मान में जब बारिश हो रही है उसी के सम्मान उन्होंने ये कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उसी के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू।